लगातार हो रहे अत्याचार और कट्टरपंथी संगठनों की धमकी से तंग आकर बांग्लादेश का हिंदू समाज वहां की सड़कों पर उतर आया, लेकिन अल्पसंख्यकों के इस विरोध प्रदर्शन के बावजूद ना तो यूनुस सरकार के कान पर जू रेंग रही है और ना हिंसा के मामले कम हो रहे हैं। इसीलिए अब भारत ने बांग्लादेश के हालात को लेकर वहां की सरकार को चेताया कि मोहम्मद यूनुस जिम्मेदारी से काम करें और अपने देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का राजधर्म निभाएं। विदेश मंत्रालय ने हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का मुद्दा उठाते हुए कहा, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ कट्टरपंथी बयान चिंताजनक हैं। वहां पर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में मीडिया बयानबाजी की बजाय यूनुस सरकार ठोस कार्रवाई करे और अपने देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करे। India has consistently and strongly raised with the Bangladesh government the threats and targeted attacks on Hindus and other minorities. Our position on the matter is very clear. The interim government must live up to its responsibility of protecting all minorities. विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में इस्कॉन के खिलाफ चल रही कट्टरपंथी संगठनों की मुहिम और संत चिन्मयदास की गिरफ्तारी के मुद्दे पर भी नाराजगी जताते हुए बांग्लादेश की सरकार से कहा, इस्कॉन एक विश्व स्तर पर सम्मानित संगठन है जिसका सामाजिक सेवा के क्षेत्र में शानदार रिकॉर्ड है और संत चिन्मयदास के मामले में बांग्लादेश का कानून निष्पक्षता से काम करे। शेख हसीना के ढाका छोड़ने के बाद से ही बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में तनाव शुरू हो गया था, लेकिन हिंदुओं के उत्पीड़न ने दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। हालांकि भारत ने साफ किया है, भारत से बांग्लादेश को भेजी जाने वाली जरूरी चीजों की सप्लाई पहले की तरह ही जारी रहेगी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.